अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल आपको बताते हैं, सीखते हैं। दो वर्ड हैं इन और इन और एट। लोगों को, स्टूडेंट्स को, काफ़ी को पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे कन्फ्यूज दीज टू वर्ड्स इन एंड एट, बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ टू यूज़ इन एंड एट। सेंटेंस बनाते हैं, मैं पहले इन का सेंटेंस बनाता हूँ। इन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ऐसी जगह में जो क्लोज हो, बंद जगह में। सपोज़ कि मैं अब क्लास में बैठा हूँ तो मेरा सेंटेंस होगा आई एम सिटिंग इन द क्लास। अब इन जो है ये प्रपोजिशन है। इसी तरह मेरे हाथ में गिलास है तो मैं कहूँगा वाटर इज़ इन द गिलास। ये हो गया। उसके बाद आप तीसरा सेंटेंस बनाएं, माय ब्रदर इज सिटिंग इन द कार। कार बंद है तो सिटिंग इन द कार। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग गेम इन द ग्राउंड। ये आपके हो गए चार सेंटेंस। अब आते हैं एट को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। एट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एट आप प्लेस और टाइम के साथ नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, या आप प्लेस शो करें या टाइम शो करें। जैसे मेरा सेंटेंस है आई एम एट द कॉलेज, मैं कॉलेज के पास हूँ। माय ब्रदर इज एट द सेंटर, सेंटर के पास है। माय ब्रदर इज एट द सेंटर। अच्छा, अगर हम कहें कि माई ब्रदर इज़ एट द सेंटर इन द क्लास, तो दोनों प्रीपोजिशन आपकी आ गई, एट द सेंटर इन द क्लास। टाइम के साथ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं, आपको बताता हूँ। लेट्स राइट इट डाउन। आई विल मीट यू एट फाइव पी एम। मैं आपके साथ 5 बजे मुलाकात करूँगा। टाइम के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी से क्वेश्चंस करते हैं, आप किसी को कहते हैं कि आप मेरे साथ कब मिलोगे, किस वक्त मिलोगे, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एट पहले। एट व्हाट टाइम यू विल मीट मी। ये आपके चार सेंटेंस हो गए। इसका जवाब होगा आई विल मीट यू एट 5 PM। ऊपर मैंने लिखा है आई विल मीट यू एट 5 PM। टाइम के साथ और प्लेस के साथ हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जगह पे ये वर्ब के साथ भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, तो ये था आज के लिए। अच्छा, एक और प्रीपोजिशन में बताता हूँ आन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक दो सेंटेंसेस बनाएं आन के। आन ज़्यादातर सरफेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू आर कीपिंग समथिंग ऑन सरफेस, जैसे मैं कहूँ कि किताब जो है टेबल पर पड़ी हुई है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। मेरे हाथ के ऊपर पेन पड़ी है। The pen is lying on my palm. देखें सेंटेंस, the pen is lying on my palm। वर्ब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं It depends on you। तो वर्ब के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे सेंटेंस ऑन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कार में बताया था, बच्चा कार में, मेरा भाई, मेरा दोस्त कार में बैठा है, इन द कार। अगर कार के ऊपर बैठा है तो आप कहेंगे कि अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द कार। ऑन द कार माना कार के ऊपर है, इन द कार माना कार के अंदर है। अच्छा, अगर कार के बराबर खड़ा है तो उसके लिए हम बिसाइड या इस्तेमाल करते हैं, या हम कहेंगे कि ही इज स्टैंडिंग बिसाइड द कार। कार के साथ खड़ा है, या ही इज स्टैंडिंग एट द कार, कार के साथ है। इन द कार, एट द कार, ऑन द कार। तो ये आपकी 3 प्रपोजिशंस थी, इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। फर्दर भी प्रपोजिशंस आपको बताऊंगा, बिहाइंड, फ्रॉम, फार, टू, ऑन, ये भी मैं आपको बताऊंगा हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। डू शेयर दिस क्लिप विद योर फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।